हेलो देयर, वेलकम टू नेचुरल राइट, वेलकम टू ए न्यू अनदर वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है सिमानो का क्रैंक सेट को लेके, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पेस्ट पे कुछ दिन पहले अपलोड किया था, पिक्चर अपलोड किया था कि एक मैंने फ्रंट चेन व्हील और एक डिओरे सीरीज का डिरेलर ख़रीदा था। और ये जो क्रैंक सेट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और ये 170 mm क्रैंक आर्म का लेंथ है यहाँ पे, विथ चेन रिंग गार्ड है। अगर आप चेन रिंग गार्ड नहीं लेना चाहते तो उसमें आपको 50 रुपये का कम प्राइस पे मिल जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या हमें मिला है। तो उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाने चाहेंगे, इसका जो MRP है, इसका प्राइस आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। देखिए MRP पे थोड़ा सा फोकस कर देते हैं, हाँ यह देख सकते हैं यहाँ पे MRP जो है 1480, मतलब 1480 रुपये इसका प्राइस है। यहाँ पे और भी डिटेलिंग में कुछ लिखा हुआ है, फिलीपाइंस में ये बना हुआ है। सिमानो का जो प्रोडक्ट होता है ये एक्चुअली मेड इन जापान है, लेकिन इसका जो अलग अलग सीरीज होता है ना, तो अलग अलग कंट्री में ये बनता है, ठीक है। तो जैसे कि सिमानो का जो एडवांस लेवल का प्रोडक्ट है वो सब जापान में ही बनता है, और बाकी नॉर्मली जो प्रोडक्ट है वो फिलीपाइंस, ताइवान यहाँ पे बनते हैं, चाइना में भी बनते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या मिला है, उसके बाद हम डिटेलिंग में रिव्यू करेंगे। और पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपने यूज के लिए मंगाया है, क्योंकि मेरा जो पुराना चेन रिंग है वो पूरा ख़राब हो चुका है, तो उसको चेंज करने वाला है, और सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर हो जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्रंट चेन व्हील जो कि सिमानो अल्ट्रास एफसी MT101 है, और काफ़ी लाइट वेट है और सॉलिड परफेक्ट चीज़ है एकदम, मतलब फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिमानो का प्रोडक्ट है, मतलब बात ही नहीं बनता इसका। और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब स्टाइलिश है। और ये जो क्रैंक आर्म है, सिर्फ क्रैंक आर्म आपको ओनली एल्युमिनियम मिलेगा, मतलब जो एलॉय है वो मिलेगा, और बाकी जो चेन रिंग है वो आपको स्टेनलेस स्टील ही मिलेगा। आप कितना भी मतलब हाई एंड कंपोनेंट ले लीजिए, उसमें आपको सिर्फ क्रैंक आर्म ही आपको एलॉय या क्रैंक मतलब कार्बन फाइबर का मिलता है, लेकिन बाकी जो चेन रिंग होता है वो स्टेनलेस स्टील का ही होता है। तो ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा दिखा देते हैं। और ये जो चेन रिंग है ये 3x9 कंपैटिबल है, मतलब मेरा जो पिछला जो चेन रिंग था वो 3x8 था, और मेरा जो ड्राइव ट्रेन है वो भी 3x8 है। तो देखते हैं ये जो सेटअप है, मतलब 3x9 है, ये वहाँ पे सेट हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमानो 20, सिमानो जो ये जो चेन रिंग है तीनों, तो तीनों चेन रिंग का जो टीथ नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सिमानो 30 लिखा हुआ है, और ये सबसे जो बड़े वाले चेन रिंग है यहाँ पे भी देख सकते हैं सिमानो 40, मतलब जो तीनों चेन रिंग है, सबसे जो छोटे वाले चेन रिंग है वो 20 तित का है, और जब सबसे जो मिडिल वाले चेन रिंग है वो 30 तित का है, और सबसे जो बड़े वाले चेन रिंग है वो 40 तित का है, ठीक है। तो जितना भी आप ज़्यादा स्पीड का चेन रिंग परचेस करेंगे तो उसमें आपको टीथ नंबर कम मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रैंक आर्म के ऊपर जो ब्रांडिंग है सिमानो का, ये किसी लेज़र प्रिंटिंग से ही किया गया है, ताकि मतलब इसके ऊपर तो आसानी से स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं आ सकते, मतलब मैंने इसके ऊपर नाखून से स्क्रैच करने की कोशिश किया था, फिर भी बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आया, मतलब बहुत ही सॉलिड से बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस चेन रिंग के साथ आपको एक चेन रिंग गार्ड मिलेगा जो कि प्लास्टिक का है, और बाकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। और इसका दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं, इसे एक सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है, इसे बाद में पढ़ेंगे। जो क्रैंक का जो लेफ्ट साइड है, ये तो ड्राइव साइड था, जो नॉन ड्राइव साइड वाला जो क्रैंक आर्म है उसे भी निकाल लेते हैं। और इसे निकालने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब ये जो क्रैंक आर्म है ये एल्युमिनियम का है, लेकिन इसके ऊपर कुछ प्लास्टिक का कवर है, लेकिन इतना स्मूथ कैसा हो सकता है, इतना मतलब एकदम सॉफ्ट कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये सॉलिड एल्युमिनियम का है, मतलब एलॉय का है, लेकिन इसके ऊपर पेंट का इतना परफेक्शन मतलब रखा है ना, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मतलब सॉलिड एलॉय का है या प्लास्टिक का कवर से ढका हुआ है। तो सॉलिड क्वालिटी सिमानो का नाम मतलब काफ़ी है, मतलब बात ही नहीं बनता इसका। और मतलब इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब मार्केट में काफ़ी सारे मतलब जो कॉपी प्रोडक्ट निकलते हैं ना, तो आसानी से आप कॉपी प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं अगर आप ओरिजिनल को एक बार देख लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे जो क्रैंक आर्म का जो हेड है यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा फोकसिंग करते हैं, कुछ डिटेलिंग में लिखा हुआ है, जो मॉडल नंबर वगैरह फिलीपाइंस में बना हुआ है, M315 इसका सीरीज है आई थिंक। और ये जो क्रैंक सेट है प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, सॉलिड है, एकदम परफेक्ट है, मैं बताना चाहूँगा।
और ये मेरा एकदम अपना ओपिनियन है और अपना अपना यूज के बारे में बताना। और यहाँ पे एक मैनुअल भी मिलता है जहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फ्रंट चेन व्हील विथ बॉटम ब्रैकेट कौन सा फिट होगा, क्यूआर कोड है, आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए, और ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं, बोल्ट काफ़ी अच्छा है। बोल्ट जो है मतलब ये एलन की बोल्ट है, और ये एलन की बोल्ट एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली जो बोल्ट होता है ना तो उससे काफ़ी अच्छा होती है एलन की बोल्ट, तो मैंने पहले भी बोला था। तो चलिए, तो और कोई कम नहीं, फटाफट इसे इंस्टॉल करेंगे। और हाँ, और एक बात मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि जो ये जो क्रैंक सेट है, इसे आप कैसे समझ पाएंगे कि ये एलॉय का बना हुआ है या स्टील का है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो कॉपी प्रोडक्ट होता है ना, तो इसलिए मेरे पास एक मैग्नेट है, छोटा सा मैग्नेट का टुकड़ा आप देख सकते हैं। तो मैग्नेट की मदद से आप ऐसे आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये ओरिजिनली एलॉय का है या पूरा स्टेनलेस स्टील का होता है, या मतलब कुछ पार्ट स्टेनलेस स्टील का ऐसे भी रहता है। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो चेन रिंग है ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है, जैसे दिख रहे हैं आप यहाँ पे जो मैग्नेट है ये पूरा चिपक रहा है। देखिए तीनों जो चेन रिंग होता है, क्योंकि जो हर एक जो चेन रिंग होता है मतलब जो क्रैंक सेट होता है उसमें क्रैंक आर्मी सिर्फ एलॉय का होता है या कार्बन फाइबर का होता है, बाकी सब स्टेनलेस स्टील का ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चेन रिंग है उसमें मैग्नेट जो है चिपक जा रहा है, लेकिन जो क्रैंक आर्म का जो पार्ट है उसमें मैग्नेट बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी स्टेनलेस स्टील रहेगा अंदर, स्टील वगैरह अंदर मिलावट रहेगा, तो आप मैग्नेट के जरिए आप पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मतलब टच नहीं हो रहा है, मैग्नेट बार बार नीचे गिर रहा है इजीली, मतलब बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। मैं हाथ से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जो चेन रिंग है उसमें टच हो रहा है, तो ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। और दूसरा जो पार्ट है क्रैंक का जो लेफ्ट साइड, उसमें भी हम सेम देख सकते हैं, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। तो आप इजीली ऐसे घर में चेक कर सकते हैं, अपना जो बाइसाइकिल है, जो बाइक है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा पार्ट एलॉय का है, कौन सा पार्ट स्टेनलेस स्टील का है, आप ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं मैग्नेट के जरिए। तो चलिए फटाफट से इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉलेशन वीडियो हम फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। और यहाँ पे मैंने पहले से ही मेरा जो पुराना जो क्रैंक सेट था पूरा फुल्ली उसको टोटली खोल के रखा था, सिर्फ लेफ्ट साइड का क्रैंक आर्म खोलना बाकी था, क्योंकि खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगती है, तो इसलिए मैंने पहले से ही खोल के रखा था। और आप लोग अगर क्रैंक सेट कैसे ओपन करते हैं, उसके लिए क्या क्या टूल किट चाहिए, वो अगर लेना चाहते हैं तो टूल किट डिस्क्रिप्शन में है, और क्रैंक सेट कैसे इजीली ओपन कर सकते हैं उसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा जो चैनल में जो बॉटम ब्रैकेट सर्विसिंग का एक वीडियो है और न्यू बॉटम ब्रैकेट इंस्टॉलिंग का एक वीडियो है, तो उस दोनों वीडियो में कोई भी आप एक देख लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ईजीली देखने को मिल जाएगा क्रैंक सेट कैसे ओपन करते हैं और कैसे आप अच्छे तरीके से उसको टाइट करें। तो उसके लिए कुछ टूल किट की ज़रूरत पड़ती है, तो जो क्रैंक पुलर बोलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जिसके वजह से आप इजीली क्रैंक को ओपन कर सकते हैं, और इसके बिना आप जो स्क्रैटे पर जो क्रैंक है उसको खोल ही नहीं पाएंगे, उस टूल किट की मदद लेना ही पड़ेगा। तो न्यू जो क्रैंक सेट है उसे लगाने से पहले जो बॉटम ब्रैकेट का जो स्पिंडल है उसको भी क्लीन कर लेना चाहिए। और यहाँ पे देख सकती है मेरे हाथ में जो न्यू क्रैंक सेट है, जो क्रैंक आर्म है, और मेरा जो पुराना क्रैंक आर्म है वो प्रो व्हील का था, वो भी बहुत मतलब बेहतर था, वो भी लाइट वेट है, सेम एलॉय का ही था, लेकिन शिमानो का थोड़ा अलग होता है, शिमानो का क्वालिटी थोड़ा अलग होती है। आप दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, दोनों का वेट जो है लगभग सेम ही है, और डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये जो हेड आप देख रहे हैं क्रैंक आर्म का, यहाँ पर देख सकते तो प्रो व्हील का कितना पतला टाइप का दिखा रहा है मतलब, लेकिन शिमानो जो है शिमानो का थोड़ा सा मोटा टाइप का है, यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखिए बहुत ही मोटा है शिमानो का, और प्रो व्हील का देखिए थोड़ा सा पतला है शिमानो के मुकाबले, लेकिन शिमानो का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा लगा। प्रो व्हील का थोड़ा सा कार्व है लेकिन शिमानो का थोड़ा स्ट्रेट लाइन पर है। सो मैंने यहाँ पर मेरा जो बाइक है उसको उल्टा कर लिया है ताकि आप लोग अच्छे से दिखा पाऊँ। तो हमें स्पिंडल के ऊपर थोड़ा सा ग्रीस लगा लेना चाहिए, आप ग्रीस को अप्लाई करना ज़रूरी है, नहीं तो आप नॉर्मली आप ऐसे क्रैंक को इंस्टॉल कर देंगे तो बाद में उसमें नॉइज़ भी आ सकती है, क्रैकिंग का नॉइज़ आ सकती है। और मैंने पहले ड्राइव साइड वाला क्रैंक को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद नॉन ड्राइव साइड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो
जो क्रैंक के जो अंदर जो सेल के अंदर जो गैप है उसमें भी थोड़ा सा ग्रीस अप्लाई कर लीजिए। और इस जो क्रैंक सेट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें जो बोल्ट है वो एलन की बोल्ट है, और एलन की बोल्ट भाई मुझे मतलब टाइट करने में बहुत ही अच्छा होती है, मतलब बहुत एकदम ईजी होता है टाइट करने से। और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक 8 mm एलन की जो बोल्ट है, वो 8 mm की बोल्ट एलन की बोल्ट है जो शिमानो का जो ये क्रैंक सेट है, तो 8 mm का एलन की यूज कर रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि आप जो एलन की यूज कर रहे हैं वो ब्रांडेड होना चाहिए, आप किसी लोकल एलन की मत यूज कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपका जो बोल्ट है वो ख़राब हो सकती है, और आप मतलब एक बार स्लिप हो जाए ना प्रेशर डालने से तो आप चोट भी लग सकते हैं आपको। तो आप ब्रांडेड एलन की यूज कीजिए, कोई भी टूल किट लेना है तो ब्रांडेड लीजिए, तो अच्छा क्वालिटी मिलेगा आपको। और यहाँ पे मेन चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ कि जो क्रैंक आर्म टाइट करने का जो स्पेसिफिक टॉर्क है वह कम से कम आपको 45 न्यूटन मीटर से टाइट करना पड़ेगा। अगर उससे थोड़ा सा कम रहेगा ना तो आप जब पैडलिंग करेंगे तो पैडलिंग करते समय आपको क्रैकिंग का नॉइज सुनने को मिलेगा, जो कि बहुत मतलब बेकार लगती है सुनने में, ठीक है। तो आपको टाइट करने के लिए आप स्पेसिफिक टॉर्क रेंज यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप 45 न्यूटन मीटर मतलब बहुत ज़्यादा टाइट करना पड़ती है, मतलब फुल टाइट करना पड़ेगा आपको। सो फाइनली यहाँ पे इंस्टॉलिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग पैडल को भी इंस्टॉल कर लेना, और मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था। तो चलिए, और क्रैंक सेट बहुत अच्छा लग रहा है, और रिव्यू भी डालेंगे बाद में, मतलब इसका परफॉर्मेंस कैसा दे रहे हैं।